नीट के एग्जाम की डेट करीब आने पर गोल इंस्टीट्यूट के जीनियस कैंपस रिसाली में नीट के टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था में कोचिंग ले रहे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया। भिलाई में विगत 16 वर्षों से संचालित इस संस्था से कोचिंग प्राप्त कर 16 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। स्पेशल मैसेज आज देना चाह रहा था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने नीट 2023 7 मई को जो होना है और 2:25 PM पे जो एग्ज़ाम है उसी पैटर्न को हम लोगों ने आज एग्ज़ाम लिया था ए और बी सेक्शन पे। तो इस एग्ज़ाम का मेन टारगेट ये रहता है कि अभी हमारे गोल भिलाई का जो हमारा मिशन रहा है वो मिशन रहा है कि 16 इयर्स में 1600 बच्चे डॉक्टर्स हमारे यहाँ से बन करके आए हैं और ये 1600 बच्चे को जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 3 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। आज ये जर्नी ऐसा बना है जो मेरा सपना था जो रिशाली में हम लोगों ने जो बनाया है जीनियस कैंपस के नाम पे, और ये 18,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्टिव एरिया है जहाँ पे बच्चे इस समय अपनी पूरी टीम के साथ उसका प्रतिसाद कर रहा है और एंट्रेंस पे जो परफॉर्मर बन पा रहे हैं जिसमें जोधपुर एम्स जोधपुर जैसे संस्थान में हमारे यहाँ के बच्चे गजेंद्र साहू जैसे बच्चे जा रहे हैं और आनंद जैसे बच्चे हैं जो एम्स रायपुर जैसे संस्थान में इस समय एडमिशन ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी टीम का जो डेडिकेशन है यह डेडिकेशन और हमारी जो बच्चों का जो महत्वपूर्ण योगदान है उस योगदान के कारण ही ये हम इस सफ़र को हम कंप्लीट कर पाए हैं। और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि जिन एस्पिरेंट्स ने नीट 2023 7 मई को जो देना है उन बच्चों को कूल माइंड होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अपने एग्जामिनेशन को दें और फाइनल रिजल्ट बनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम नीट 2023। आज हम लोग गोल्स की तरफ से आए हुए हैं और गोल्स में जो था टेस्ट सीरीज हुई, इस समय जो था 49 टेस्ट सीरीज हो गई और जितना भी टेस्ट सीरीज थी सब रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज थी और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ के बच्चे बेस्ट हैं और यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो था रिजल्ट आएगा। और आज लगभग यहाँ पर आपका जो था 8 टेस्ट सीरीज का जो था अलाउंस हुआ जिनमें आपका जो है 20 से लेकर आपका जो है 40 स्टूडेंट लगभग आपका जो है नेट आपका जो है इंडिया लेवल पर सेलेक्ट होने वाले हैं और बाकी भी बच्चे आपका ट्राई कर रहे हैं। बाकी हमारे जो है सर के जो है गाइडेंस में डायरेक्टर सर के गाइडेंस में बहुत अच्छा किया जा रहा है। मैं यहाँ पे 6 to 7 months से यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन किया था एज बिकॉज मैं ड्रॉपर हूँ, तो यहाँ पर मेरे को टेस्ट सीरीज के लिए मैंने काफ़ी चीज़ों की कंपैरिजन की कि कौन सा इंस्टीट्यूट का कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगा क्वेश्चन वाइज फीस वाइज और एवरीथिंग। तो मुझे गोल्ड इंस्टीट्यूट में सब कुछ चीज़ें सही मिल रही थी क्योंकि डाउट भी जो भी आता है मेरे को डाउट हो गया या फिर क्वेश्चन की क्वालिटी, क्योंकि क्वेश्चन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, और नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज के साथ क्वालिटी के साथ और फीस के साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पे काफ़ी मुझे सही लगा और मैंने गोल्ड इंस्टीट्यूट तब से ज्वाइन किया हुआ। जी थोड़ी सी नर्वसनेस है क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, बट वहीं पर एक कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि पूरे साल हमने मेहनत की है और यहाँ कोचिंग से भी बहुत मदद मिली है। तो यही उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा जाए और कॉन्फिडेंस से हम एग्ज़ाम दिलाएँ। जी हाँ, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं एंड इवन जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो पर्सनली काउंसलिंग देते हैं एंड उसके बाद यहाँ के जो पेपर्स हैं जैसे कि AITS हो गया, स्पॉट हो गया, एक्सेप्शनली गुड है वो। अगर उसको हम एनालाइज करते हैं तो उससे हम NCERT की लाइन बाय लाइन पूरा हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का आता है तो उससे प्रिपरेशन अच्छी होती है और फैकल्टी भी बहुत सपोर्टिव है तो उससे बहुत मदद मिल जाती है। कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है तो थोड़ा डर तो है हम सब के मन में, नर्वसनेस है, पर यहाँ पर हमने तैयारी करके अपने आप को थोड़ा काबिल तो बना ही लिया है कि हम एग्ज़ाम को अच्छी तरह फेस कर पाएँ, क्योंकि यहाँ के टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हम मेन एग्ज़ाम में उससे भी अच्छा नंबर ले आ सकें। और गोल इंस्टीट्यूट की मदद से, यहाँ के टीचर की मदद से हमें ऐसा लग रहा है अभी से कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे कॉलेजों में हो सकता है। और फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पर, यहाँ की फैकल्टीज ने मतलब टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट करवाया था, इसके अलावा जैसे डाउट होता है हमारा वो सब भी यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। एग्ज़ाम को सिर्फ 1 week बाकी है तो थोड़ा डर तो लग रहा है, पर यहाँ गोल इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज होता है वो सबसे अच्छा है और यहाँ डाउट के फैकल्टीज हैं तो यहाँ कोई भी डाउट हम कभी भी पूछ सकते हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं और टेस्ट सीरीज़
द बेस्ट है।